Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. आप देख रहे हैं my channel cricket future. दोस्तों आज बात करेंगे CPL T20 League 2020 के हवाले से. यकीनन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि CPL यानी Caribbean Premier League में दूसरा मुकाबला राशिद खान और दोस्तों एक दूसरी टीम के दरमियान मुकाबला होगा. यकीनन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को राशिद खान टीम की प्ले 11 मैच प्रीव्यू, इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बता दूंगा, यानी दोस्तों और इसकी डेट और टाइमिंग के बारे में बता दूंगा. पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में. दोस्तों अगर आप भी राशिद खान के असली फैन है तो इस वीडियो को लाइक करो. दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए. तो दोस्तों अगर बात करें करीबियन प्रीमियर लीग, यकीनन दोस्तों 18 अगस्त से करीबियन प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा और यकीनन ये पहला मुकाबला ट्रिनिडेड नाइट राइडर और गयाना अमेजोन वॉरियर्स के दरमियान ये मुकाबला खेला जाएगा ट्यूजडे के दिन 18 अगस्त को. दोस्तों इसकी टाइमिंग होगी यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया टाइम के मुताबिक दोस्तों ये मुकाबला रात को शुरू होगा. यकीन इसकी टाइमिंग 8 बजे होगी. इसके अलावा दोस्तों इसी दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे. यकीनन दोस्तों ये दूसरा मुकाबला राशिद खान टीम का होगा. दोस्तों ये दूसरा मुकाबला बारबाडोस ट्रिडेंट्स और एसटी किट्स के दरमियान ये मुकाबला खेला जाएगा. इसकी टाइमिंग दोस्तों होगी वेस्ट इंडीज टाइम के मुताबिक 5:30 PM और अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोस्तों ये मुकाबला 3 AM पर शुरू होगा, यानी रात को ये मुकाबला होगा. बहुत लेट होगा. दोस्तों इस वीडियो में आपको राशिद खान टीम की प्ले 11 के बारे में बता दूंगा. तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसमें राशिद खान शामिल होंगे. यकीनन अफगानिस्तान के सिर्फ राशिद खान शामिल होंगे. इससे पहले दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबस भी शामिल थे लेकिन दोस्तों उसको वीज़ा नहीं मिल गया और इसकी वजह से दोस्तों वो CPL से रूल्ड आउट हो गए, यानी CPL में जा नहीं सकते. यकीनन एक बहुत बड़ा डच का मेला. इसके अलावा दोस्तों इसमें शामिल होंगे जैसन होल्डर, मार्क एंटोनियंस और हैरी गनर. इसके अलावा दोस्तों और भी शे होप भी इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों इसमें शामिल होंगे जॉर्ज सरचार्ड, एलेक्सल हेल्स, एल मायर्स और दोस्तों ये सब विंडीज प्लेयर होंगे. कार्टर भी शामिल होंगे, नर्स भी शामिल होंगे और वॉल्शर जूनियर भी इस टीम का हिस्सा होंगे. दोस्तों ये थी बारबाडोस ट्रिडेंट्स की प्ले 11 इस मुकाबले के लिए. यकीनन एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा. दोस्तों अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर होगा स्टार स्पोर्ट. यानी दोस्तों आप स्टार स्पोर्ट पर तमाम मैचेस देख सकते हैं, यानी इसकी राइट स्टार स्पोर्ट ने अब तक लिए है और आप तमाम मैचेस स्टार स्पोर्ट पर देख सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे अफगानी फैंस के बारे में बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान के जितने फैंस हैं वो RTS स्पोर्ट पर देख सकते हैं. अगर पाकिस्तान फैंस देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा. आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो उस पर बना दूँ कि आप मोबाइल पर किस तरह देखेंगे. तो दोस्तों अगर इस मैच की डेट और टाइमिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी डेट होगा यानी 18 अगस्त को ये मुकाबला खेला जाएगा ट्यूजडे के दिन और दोस्तों इसकी टाइमिंग होगी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान टाइम के मुताबिक दोस्तों ये मुकाबला 3 AM पर शुरू होगा. इस तो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा. दोस्तों आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि कौन ये मुकाबला जीत सकता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें. खुदा हाफिज़.